नाज़रीन, अक्सर हम ये देखते हैं कि पुलिस की गिरफ्त से कैदी भाग गए या फिर हवालाती भाग गए, तो यही वो वाकयात होते हैं जब एक बंदा फ़ोन पे लगा होता है पुलिस वाला और दूसरा जो है सामने खड़ा होता है, जो कैदी हवालाती हैं वो भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? नदीम है जी। साहब, किस चीज़ के पर्चा कटा? ट्राली ट्रैक्टर ड्राइवरी। ट्राली ट्रैक्टर को क्या किया? तो भर के लिया ना, तेल डक लिया। क्यों डक लिया फिर? बस आंदे ड्राइवर दे पर्चा जी लाए। ट्रॉली में रेत लेके जाना एक जुर्म है? हाँ जी, ये रियाज से ना गैर कानूनी तौर पे वो कर रहे थे लोड, यहाँ तो उसकी वो जो मादनियात वाले होते हैं वो पर्ची वगैरह उसकी मिलती है, वो करें तो फिर कोई जुर्म नहीं, लेकिन वैसे अगर वो चोरी उधर से लेके जाएंगे वो पर्ची नहीं लेंगे तो फिर वो इस्तगासा देते हैं, फिर FIR हो जाएगी। ऑब्वियसली रेत चोरी करने का पर्चा कटेगा अगर आप विदाउट परमिशन जो है रेत लेकर जाएंगे, और इसका एक अच्छा खासा कारोबार है, लोग जो घरों की कंस्ट्रक्शन में या कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा पर्चे किस चीज़ के काटे जाते हैं? मोबाइल चोरी, मोबाइल स्नैचिंग, यही है ज़्यादा। मोबाइल स्नैचिंग में जो अफराद मुलव्वस होते हैं वो पकड़े भी जाते हैं? हाँ जी। कैसे पकड़े जाते हैं? क्योंकि अक्सर सुनते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया, कभी वापस नहीं मिला। नहीं, तकरीबन 40% से ज़्यादा पकड़े जाते हैं जिनकी CDR या वो ई गैजेट होंगे वो पकड़े जाएंगे, उनकी CDR आती है जो भी, फिर उस पर वो वर्किंग होती है, फिर वो पकड़े जाते हैं। लेकिन जो लोग फ़ोन के साथ ही निकाल देते हैं सिम, उनकी CDR तो नहीं आ सकती, उनको कैसे? जो उसमें IME नंबर वो चल रहा होता है उसकी वो लेते हैं दोबारा CDR, कि अगर उस मोबाइल में कोई दूसरी सिम डाली गई है तो फिर उसकी वो ऑनरशिप मिल जाएगी कि वो किसने अपनी सिम उसमें वो यूज़ की है, तो फिर उसका वो पता चल जाता है। अगर नई सिम भी लगाएं तो फिर भी मोबाइल जो है लोकेट हो सकता है, और ये सारा प्रोसेस कितने अरसे का होता है अगर सिम चेंज करके कोई फ़ोन यूज़ करे? अगर वो उसी टाइम वो यूज़ कर ले तो उसी टाइम आ जाएगी उसकी वो लोकेशन, यानी कि जो ही वो उसकी FIR करती है तो उसी टाइम वो उसकी वो CDR के लिए मूव करते हैं, तो जो ही उसकी वो CDR आएगी, मेल आ जाती है, उसी टाइम उसकी ऑनरशिप लेते हैं, तो उसी वक्त लोकेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस काम करना चाहे तो फौरन से पकड़ सकती है? नहीं, काम करना चाहे नहीं, पुलिस काम करती है, यानी अगर उसमें कोई यूज़ करेगा तो फिर ही है ना, पुलिस तो काम कर रही है, उसका जो हमारा SOP है, जो भी SOP है उसके मुताबिक करते हैं कि जब कोई मोबाइल स्नैच हुआ है या चोरी हुआ है उसकी उसी टाइम वो CDR के लिए मूव करते हैं, तो उसमें अगर कोई सिम यूज़ करता है तो फिर उनके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सर, आप देखें इतने सारी जो मुकदमात हैं काटे जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल पैरा नहीं हुआ जाता, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, व्हाट डू यू थिंक, जब पुलिस काम कर रही है, इंसाफ लेने वाले इंसाफ लेने आ रहे हैं, तो फिर ताखीर की वजह क्या है? तखीर इसमें यही है कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ 40% से ज़्यादा जो मोबाइल स्नैचिंग है दूसरा वो क्लियर होते हैं, अगर वो मोबाइल यूज़ ही नहीं हो रहा, और मोबाइल नहीं ओवरऑल हर एक, इसके अलावा जो नॉमिनेटेड होती हैं FIR वो क्लियर होती हैं, वो नामजद जो FIR होगी वो इंशाल्लाह यहाँ तो उसका वो होगा कि वो उसमें इश्तिहारी हो जाएंगे या वो पकड़े जाएंगे, वो नहीं ऐसा हो सकता कि वो क्लियर ना हो, इश्तिहारी होंगे या पकड़े जाएंगे। एंड में ये बता दे कि अक्सर लोग जो है चलान का वेट करते रहते हैं कि चलान आएगा, ट्रायल चलेगा, फिर हमारा कुछ होगा, चलान क्यों लेट होता है पुलिस की जान? नहीं, चलान तो 14 दिन का वो टाइम होता है कि उसमें आपने वो सबमिट करवाना है, उसमें करवा देते हैं सबमिट, अक्सर लोग जो है रोते धोते दिखाई देते, अक्सर उसमें ये होता है कि कुछ मुलजमान के जो ID कार्ड नहीं बने होते तो ID कार्ड की वजह से उसमें कुछ तखीर होती है, क्योंकि ID कार्ड अगर उसका नहीं बना तो पोल काम नहीं होगा। इसके अलावा भी देर होती है सर, बहुत ज़्यादा देर होती है, लोग कहते हैं कि हमारा बस चलान आएगा तो ट्रायल शुरू। नहीं, वो अब शहादतों में भी लेट होते हैं पुलिस अफसरान, जिन्होंने मुकदमा काटा होता है वो शहादतें देने नहीं आते और लेट हो जाते हैं। नहीं, शहादत का यही है कि अगर उसकी किसी दूसरी जगह पर ड्यूटी लगी है, उसकी तमील करवाई है लेकिन उसकी ड्यूटी है या वो छुट्टी वगैरह पर है, तो फिर ऐसे है कि वो नहीं आ सकता है, या हो सकता है कई दफ़ा कोर्ट में आए तो वो दूसरे वकील साहब नहीं आते हैं, या अदालत की कोई छुट्टी या कोई हड़ताल होगी, इसके लिए वो लेट हो जाता है। कसूर कोई नहीं है पुलिस का? नहीं, पुलिस का कसूर, पुलिस तो 24 घंटे अपना काम कर रही है। नहीं, कर रही है, लेकिन इन तमाम मामलों में पुलिस बेकसूर है? नहीं, बेकसूर का मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को पाबंद किया जाता है कि आपने सुबह 8 बजे कोर्ट में जाना है या किसी भी जगह पर जाना है, वो पाबंद है, वो उस पूरे टाइम पर वहाँ पर पहुँचेगा, ये नहीं हो सकता वो उस जगह पर जाए ना, तो अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है तो सारा ये कसूर पुलिस का तो नहीं है, इसमें कुछ कुछ कसूर है,
कुछ तो होगा सर, हर एक डिपार्टमेंट जो है थोड़ी थोड़ी कोताही करता है और केस लटक जाता है। अब आप कह सकते हैं पूरे वसूख से कि पुलिस का कोई कसूर नहीं है, जो चीज़ें हो रही हैं वो बाकी जगह। देखिए, अगर उसमें किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से कुछ कसूर होगा, यानी कि उसकी तरफ से कुछ लेट हुआ है, चलान ही जमा होगा, तो हमारे अफसरान बाला की तरफ से उसकी वो शोकाज वगैरह मिलते हैं कि आपने क्यों नहीं जमा करवाया, उसकी सज़ाएँ मिलती हैं। सज़ा क्या होती? मुख्तलिफ सज़ाएँ होगी, वो जुर्म के हिसाब से ही है ना। सस्पेंड आपको लगाया उन्होंने कि आपने यहाँ पे जाके गवाही देनी है, आप नहीं पहुँचे तीन पेशियों पे, तो आपको क्या पूछेंगे आपके अफसर? नहीं, ना पहुँचने वाली बात ही कोई नहीं। पूछेंगे क्या, क्या सज़ा दें? मुझे तमील करवाई गई है तो मैं पहुँचूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं पहुँचे थे तीन पे, तो सज़ा क्या होगी? सज़ा वो जज साहब भी कुछ भी दे सकते हैं, वो भी लिख के दे सकते हैं कि इसकी सर्विस को काट ली जाएगी, या उसकी वो पे वगैरह काटी जाए, या उसकी बंद कर दी जाए, पे बंद कर दी जाए, कुछ भी वो कर सकते हैं।